खगड़िया जो कि मध्य बिहार के सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, इस जिले की स्थापना 1988 में मुंगेर से अलग करके की गई थी। इस जिले की खास बात यह है कि यह सात नदियों से घिरा है, जिसमें गंगा, कमला, कोसी, बूढ़ी, बूढ़ी गंडक, करे, काली कोसी और बागमती शामिल है, जिस वजह से आपको इस जिले में मौसम का काफी विकराल रूप देखने को मिलता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं ठंड के दिनों में ये 6 डिग्री तक गिर जाता है। साथ ही इस जिले में बारिश अक्टूबर से सितंबर महीने तक होती है, जिस वजह से इस जिले में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको सड़क पर अधिकतर गाड़ियाँ BR34 से शुरू होती दिख जाएं, तो समझ लीजिए आप खगड़िया में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, इस जिले की आबादी 16,70,000 से भी अधिक की है, जो कि 1485 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है। यहाँ 89% हिंदू और 10% मुस्लिम निवास करते हैं। दोस्तों, खगड़िया 2 सब डिवीजन और 4 ब्लॉक से मिलकर बना है। ये अपनी सीमा समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय के साथ साझा करता है। दोस्तों, इस जिले को कई लोग फरकिया नाम से भी पुकारते हैं, जिसका ताल्लुक मुगल काल से है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और भारत के महान दिग्गज नेता रामविलास पासवान का जन्म खगड़िया में ही हुआ था। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया को भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है, जिस वजह से इसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड स्कीम से जोड़ा गया है। दोस्तों, यहाँ की 60% आबादी की आय खेती पर निर्भर करती है। माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, जहाँ मकई, चावल, गेहूं और गन्ने का अच्छा खासा उत्पादन होता है। होली और छठ यहाँ का मुख्य त्यौहार है, जिसे यहाँ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिस दौरान आपको इस शहर में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलेगा। यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो यहाँ का खगड़िया रेलवे स्टेशन बरौनी गुवाहाटी सेक्शन पर स्थित है, और गंगा ब्रिज बन जाने के बाद ये मुंगेर और जमालपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 107 और 31 से अपने पड़ोसी शहरों से अच्छी तरीके से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के निकटतम जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में जाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस जिले के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर के ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।